नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा के कुष्टा में आतंक का पर्याय बने चाचा भतीजे के कई आदियों आए सामने। रीवा, जैसा कि पूर्व में हमने कुष्टा से एक 73 वर्षीय वृद्ध बैद्यनाथ तिवारी उनके परिजनों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार की खबर दिखाई थी, उसी मामले को पुनः चाचा भतीजे ने कई आदियों भतीजे के कई आदियों सामने आए। गौरतलब है कि चाचा भतीजे ने पूर्व में वृद्ध के पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। वह वृद्ध तथा वृद्ध के पुत्र को झूठे मामले में फंसाने के उद्देश्य से झूठी शिकायतें की थी, परंतु वृद्ध के पुत्र राजीव तिवारी ने आरोपियों के ऑडियो वायरल किए हैं, जिन ऑडियो से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आरोपी चाचा अवध शरण व भतीजा संजीव तिवारी द्वारा बुजुर्ग की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से बुजुर्ग तथा उसके पुत्र पर कई मर्तबा हमला करवाया गया था तथा बुजुर्ग व्यक्ति पर न्यायालय में झूठा मनगढ़ंत मुकदमा लगवाया है। आरोपियों का इरादा बुजुर्ग के पुत्र की हत्या कर उसकी पैतृक संपत्ति कब्जा करने का था। वायरल ऑडियो में इस बात की भी पुष्टि होती है कि कोष्टा में आरटीओ कार्यालय के दलाल अवध शरण व इसका भतीजा संजीव किस तरह दहशत व आतंक फैला रहे हैं। आपको बताते चले कि आरटीओ कार्यालय का दलाल अपने धन बल व सत्ताधारी दल के बड़े नेता को अपने पक्ष में कर एक गरीब बेबस बुजुर्ग जिसका पैर सही ढंग से कार्य नहीं करता, दोनों घुटने खराब हैं, उसकी संपत्ति हथियाने की कितनी बड़ी और घिनौनी साजिश कर रहे हैं। पूर्व में चाचा अवध शरण कर चुका है बुजुर्ग के पुराने मकान व भूमि पर अवैध कब्जा। बुजुर्ग बैद्यनाथ तिवारी ने बताया कि उनकी स्वर्जित संपत्ति अराजी खसरा नंबर 1075 पटवारी हल्का कोष्टा तहसील रायपुर कचुलियान पर बना हुआ है। बुजुर्ग का पुराना मकान व उससे लगी हुई भूमि पर अवध शरण द्वारा सरहंगई पूर्वक कब्जा किया जा चुका है, जिसका न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है। क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है, मैं कोष्टा का हूँ। समस्या मेरी ये है कि आए दिन मेरे परिवार के पड़ोसी, चाचा भाई, बड़े पिताजी के लड़के, सभी लोग मिलके आए दिन मेरे को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर में कब्जा तक कर रखे हैं। मेरे घर में पोर्च बनवाया हूँ, कोई दो आदमी आके बैठे तो गाड़ी वो अपनी खड़ा करता है, हटाने को बोलता हूँ तो हटाता नहीं है, कहता है मेरा घर है, कब्जा किया हूँ, मारने को दौड़ता है। क्या नाम है आपके चाचा का? चाचा है अवध शरण शर्मा, बड़े पिताजी बसंत राम तिवारी, भाई संजीव तिवारी, पवन तिवारी, शैलेश तिवारी, ये चार पांच लोग हैं। मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मेरे पिता ख़त्म हो चुके हैं, मैं अपनी माँ को लेके आए दिन परेशान रहता हूँ। और क्या हो गया? और हमारे जब जो उसमें राजी नंबर 1075 में जो है तो काफी पेड़ लगे हुए थे जो कि मेरे पत्नी के द्वारा लगाए गए थे। तो क्या हुआ पेड़ों का? वो पेड़ काट लिया सब, पूरे काट के रख लिया। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की? मैं हर जगह शिकायत किया, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपकी भी शिकायत करते हैं? हमारी भी शिकायत करता है, हमको तो बोलता है कि हम तुमको अपने पत्नी के खिलाफ पत्नी से शिकायत करवाएंगे कि तुम उससे अभद्रता करते हो। हमारी उम्र 72 साल की, मैं क्या इसकी 65 साल की पत्नी से मैं क्या अभद्रता करूंगा? इस प्रकार की शिकायत किए? हाँ, इस प्रकार की शिकायत करते हैं। और फिर वो नाते रिश्ते में मेरी भयाहू है, हाथी के ऊपर गधे को हमेशा बैठाता रहता है, इस तरह का ये आदमी है। आरटीओ ऑफिस में 3-5 हमेशा करता है, दलाली का काम करता है, वहाँ ऐसे गंदे लोगों से इसका वो है, क्या नाम है, ये देखिए, इस तरह से युवा की पुलिस व्यवस्था है। ये उक्त भूमि के खसरे हैं जिसमें कि फरियादी के पिता का नाम स्पष्ट रूप से
अंकित है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये उक्त भूमिया है, ये उक्त भूमि के ही ऋण पुस्तिका है, जिसमें बराबर लिखा हुआ है, फरियादी के पिता का फोटो लगा हुआ है, ऊपर फरियादी के पिता का फोटो लगा हुआ है, और ये देखिए, ये भूमि का विवरण है, इसमें से इस भूमि पर, इस नंबर की भूमि पर आरोपियों द्वारा जबरन खेती करने का प्रयास दोबारा किया जा रहा है, 1053, 1052 और 1054 और 1055, ये 4-5 नंबरों पर आरोपी घर द्वारा ऐसा किया जा रहा है। प्रशासन की माने तो प्रशासन का ये कहना है कि गोली चलने के बाद, गोली लगने के बाद ही कार्यवाही होती है। ये देखिए, ये परसों की हुई घटना का आवेदन है, थाना प्रभारी महोदय के नाम से है, इस पर भी थाना प्रभारी महोदय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हेलो, हाँ चाचा, तो बंदी का है खना जे भाई हमार? कौन बंदी? वह बंदी जो जो गांव से मही, गांव से मही, तुम गलत काम कर रहे हो, अब तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। हमने तुमको मना किया था कि हमारे कन्ना खनाए थे। कौन बंदी? बंदी जो बंदी गांसे में जो बंदी है, निभा के नीचे, रामानुज के नीचे मेड़ के, वह 1115। हाँ, हम थोड़ो खनाए नो, कबल्लू खनाई थी। बल्लू का है खनाई सी का है, बल्लू से तो पूछा, हमसे कहे पूछता है? बल्लू नहीं खनाई सी, बल्लू नहीं खनाई, तू दोनों जने मिलके खनाया होगा। ये देखो गलत बात है, रास्ते में आ जाओ, सुधर जाओ, हैं? माने एकदम से बिल्कुल लंका दहन न करो, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर जमीन जगह सब अंतहीन रह जाएगी। का लंका दहन हो जी? हम कहा थोड़ा खुदवाए, हम तो अपन खुदाए, सगला विश्व न ले लेवे, जब वो पैसा दे है सब कुछ गए तो काहे होकर खनते हैं? हम अपन खने न जो हमका मिला है, तय अपन खने, हमा काहे खने, हम तो हाँ नहीं खने ना, हम नहीं जाने, तय खने है, तय खने, तोरे लाभ को नहीं तो खाने है, तो 1/4 हमारा हिस्सा है, वहाँ ऐसे खने, 1/4 तोर सगले संसार मनिया, तोर हिस्सा बच चुका, नहीं बचा, तोर हिस्सा बच चुका, नहीं बचा, तोर हिस्सा तय तीन गाड़े पा चुके हैं, दे कागज ना, कहाँ कहाँ दे? सरकारी न्यायालय, न्यायालय से तोका पुल्ली लगा के दे दिन गए, पुल्ली बना के दे दी है। हाँ तो होगी, पुन पुल्ली बना के दे दी है ना, तो पुल्ली बना के तहिन दी है, तोरे दस्तक नहीं है पुल्ली, चौथ हिस्सा हमार है, जब तू यह कहते हैं तो हम भी खुदा हैं, चौथ हिस्सा अपन पा चुके हैं, कानून न करता है, संसार के ऊपर निकले जा रहे हम भाई, नहीं खुदाएं तुहार, हम नहीं खुदाएं ना, ये तोरे बात से हम बता दी, फिर बताओ तो का हम, हाँ बता लिया जो बतावे कोई, तो हाँ ठीक है, बस वो कार्ड नहीं दी, हाँ कार्ड नहीं दी सर, चाचा तो फिर कहा कर ये डुप्लीकेट की कार्रवाई करे भाई, तो फिर आते हैं फार्म में दस्तखत बना दे, दूसरा कार्ड नहीं करवाए कोई, हाँ वही आ जा, आ जाए जरूरी है, नहीं रीवा कहीं कहे ना जावे, अबे ना जाब काम आ लगा घर में, तो काम करवाएंगे, दस्तखत बनवा देना उनसे, कहूँ से, अरे इनसे वो दस्तखत उठे बनी है ना, तो वो मैं बनाए, फिर दिक्कत हो जाएगी ना,
दस्कत जो बनी है तू वो का बनी बनावत को उस अरे तो होगा जी दो मिनट आके कह दे फिर चले जाए हाँ ऐसा ना कह दे सुना था ओका धीरे धीरे करवावा ना एक महीने दो महीने लगा के टाइम नहीं नहीं तो कागज तो कंप्लीट हो जाए आवेदन तो कंप्लीट हो जाए नहीं दी तो हमारे मूड़े पड़ेगा ठीक है ठीक आई